नमस्कार, देखिए जो सिंधु बॉर्डर का दृश्य है यहाँ पर, दवाइयाँ जो उनकी भी पूरी सुविधा दी गई है, और खाने की तो मैंने आपको से दिखाई बार बार, हर सुविधा यहाँ पर, जो किसान डटे हुए हैं अपने तीन अध्यादेश बिलों के। मोदी सरकार दसना चाहते हैं 26 तरीक के इतने ही आए हैं, अज 2 तरीक हो गई आ, इन्हों के कंधे जून तक नहीं सरकी। RSS वाले सानू अतवादी दसते हैं, ये अतवादी नहीं किसान आ। अं दिल्ली में दसना चाहते हैं, दिल्लीए अजे पंजाब के वारस जींदे ने, तू कि भजना भज ला, अं तेन जित के ही वापस जाना वा। 18 बार दिल्ली अगे जीती आ, 19 बार जित के झंडा लड़ा के जावे। ये भुलेखे रवे मोदी सरकार, अं पक्के प्रबंध करके आए हाँ, पक्के नाल अपने सारे बच्चों तक इतने आए, साढ़े भरा बीबिया भैन भी नाल पहुंचिया ने। यह दिल्ली सरकार दसना चाहते हैं, तू जिन्या भी मीटिंगा करनिया करी चल, हूँ तेन इतें आऊँगा, प्रधानमंत्री को आना पेगा, जिन तक नहीं आता उद तक अं नहीं उठना, दिल्ली वाल नहीं बदलना, दिल्ली का बार्डर सील किया तो करके रखा। ये जितना मैं भुलेखे गए रवे जी सर, जो अभी है जो बॉर्डर सील किया, इससे जनता को तो बहुत परेशानी हो रही है, क्या इससे कोई सरकार को असर पड़ेगा? सरकार से असर तो पेगा पेगा, कौन नक जो तू आ गया सरकार का असर पेगा। मैं जिला गुरदासपुर तो आया, भारतीय किसान जो लखोवाल के जिला मीत प्रधान अमरीत सिंह। अभी जो आपने RSS जो कि जो सिख कौम है उसको अब ये आतंकवादी बता रही है, तो जो कि जो हमारा देश आज़ाद होने में, जो 1947 को हमारा देश आज़ाद हो, उससे पहले जो भगत सिंह थे वो सिख कौम से थे, उसका अहम रोल हमारे देश आज़ाद होने में, तो सिख जो है जो अपनी बात पर जाता, कहते हैं कि सिख जो अपनी बात पर डट जाता वो पूरी करके रहता, क्या अब की बार सरकार को ये अध्यादेश बिल वापस लेने में मना पाएगा? कोई नहीं मना पाएगा, मनान के जाएगा। वो भगत सिंह ने जिस टाइम कुरबानी दी ही, उस टाइम तो कोई उठा नहीं, अज भी पंजाबी ही अगर कुरबानी देने तैयार रेंगे ने। यह बाकी जी जनता तंग कर, अं 2 महीने तंग है, पिछले तो 2 महीना सड़कों पर बैठे हाँ, तो हूँ इन्हों देखता वा, सरकार को चाहिए वा, जे इतने माहौल खराब हों कुछ भी होंगे, वो जिम्मेवार सरकार आ, असं कोई जिम्मेवार नहीं है भी, क्योंकि अं सरकार अल्टीमेट दे के आए हाँ। साडे जो ये कानून काले आते जो सानू नहीं मंजूर, तो ये रद्द कर, सानू कहदी खुशहाली देनी चाहते है, अहीं ने कानून रद्द करो, रद्द नहीं करना उनके तक अं नहीं उठा, जो मर्जी होवे साडे वालों नुकसान होवे, ये जिम्मेवारी प्रशासन आता, अं नहीं जिम्मेवार है जी। अगर आपकी सरकार बातें नहीं मानती मानती तो आप कितने दिन तक यहाँ पर डटे रहोगे? सानू भावें 2 साल लग जाए, साल लग जाए, अं उस तक तक इतों नहीं उठा, उस तक बैठे रहेंगे। बाकी मैं नौजवान वीर बेनती करता, किसी भी भड़काऊ में नहीं आना भी, जिदा कि आप शांतिमय ढंग में बैठे हैं उदा ही बैठे रहना वा। NRI वीर बेनती करता वा, इस तो वो तो प्रोजेक्ट अपने बाहर करो, इन्होंने सरकार के जिन्या जुत्तियां पैदा उन्निया ही मारो। योजा प्रधानमंत्री किस देश का ना हो, रब करके इनू रब हमने चुक ले, अंत बदशीसा देने, इनू साढ़े बच्चों दिया मावं दिया बदशीसा लगनिया वा, क्योंकि असं सड़कों पर बैठे हाँ। अं गुरपुरब भी सड़क पर मनाया गुरु नानक देव जी महाराज जी का, सानू कोई घाटा नहीं, साढ़े गुरु घर लंगर बेहन तो आते हैं, अं इतने बैठे तो बैठे रहेंगे जी। आप कहाँ से आए थे? मैं नकोदर तो ब्लाक प्रधान सुखचैन सिंह पंजाब से। नकोदर तो जी, पंजाब से। पंजाब से जी, धन्यवाद सर। जो किसानों के लिए जो सब्जी का यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है, जो दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, इनके लिए यहाँ पर सब्जी का प्रबंध किया जा रहा है।